हेलो गाइस, दिस नवनीत महान डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ चिली एंड देयर मैनेजमेंट। गाइस, मिर्च और उनके कीट व्याधियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चिली कैप्सिकम एनम फैमिली सोलनेसी के मेंबर होते हैं, जो कि इंडिया में इसकी बहुत अधिक मात्रा में खेती होती है। चिली जो है एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है, साथ में स्पाइसेस क्रॉप के रूप में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। ये ऑलमोस्ट हर प्रकार के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में इसका कल्टीवेशन हो सकता है। लगभग पूरे वर्ल्ड में इसकी खेती होती है। ये जो है साउथ और सेंट्रल अमेरिका से ओरिजिनेटेड है। इसका नेटिव प्लेस साउथ और सेंट्रल अमेरिका है। इट कंप्राइजेस फैटी ऑयल्स, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, मिनरल्स, एलिमेंट्स एटसेट्रा। इसमें ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं अवेलेबल होते हैं। कैप्सिकम फ्रूट जो है वो बहुत ही बढ़िया नेचुरल बैक्टेरिसाइडल एजेंट के रूप में काम करता है। ये एंटी बैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, इसलिए इसका बहुत अधिक मेडिसिनल वैल्यू भी है। चिली आर लो इन सोडियम एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री, रिच इन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ए गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड फोलिक एसिड। इसमें आयरन की भी बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। इन इंडिया चिली ऑक्यूपाइज एंड एरिया ऑफ अबाउट 7.5 लाख हेक्टेयर विथ एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 11.67 लाख टन। इट इज़ ए गुड एक्सपोर्टर, इंडिया इज गुड एक्सपोर्टर ऑफ चिली। इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आर द मेजर चिली ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया, विच टुगेदर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 75% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया ऑफ इंडिया। इनमें जो मेजर पेस्ट हैं कुछ, वो है चिली थ्रिप्स, चिली फ्रूट बोर और कट वॉर्म। फर्स्टली हम बात करते हैं चिली थ्रिप्स के बारे में। चिली थ्रिप्स सर्टोथ्रिप्स डोर्सलिस, ये ऑर्डर थाइसनप्टेरा फैमिली थ्रिपीडी के मेंबर होते हैं। ये बहुत ही माइन्यूट इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत ही छोटे इंसेक्ट होते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में, जहाँ भी पूरे वर्ल्ड में मिर्ची की खेती होती है वहाँ पाए जाते हैं। ये जो है साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, जापान, केन्या, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको, इंडिया, पाकिस्तान इत्यादि देशों में पाए जाते हैं। इन इंडिया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा इत्यादि प्रांतों में ये अधिक मात्रा में इनका प्रकोप होता है। ये जो इंसेक्ट होते हैं हाईली पॉलीफेगस होते हैं, जो लगभग हर प्रकार के वेजिटेशन पे अटैक कर सकते हैं, हर प्रकार के वेजिटेशन पे फीड कर सकते हैं। इसके जो मेन होस्ट हैं वो है बनाना, बीन, केशियो, कैस्टर, सिट्रस, कोकोआ, कॉर्न, कॉटन, ब्रिंजल, ग्रेप्स, लीची, मैंगो, मेलन, पेपर, रोज, स्ट्रॉबेरी, स्वीट पोटैटो, टी, टोबैको, टोमेटो एंड सम वीट्स। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत ही माइन्यूट पेस्ट होते हैं। इसके जो निम्फ होते हैं ये स्ट्रॉ कलर के होते हैं। इनका जो आकार होता है लगभग 2 mm लंबे होते हैं। एडल्ट होने पे इनका जो विंग होता है वो फ्रिंग्ड विंग्स होते हैं। ये सकिंग पेस्ट होने के कारण प्लांट के टेंडर पार्ट से सेल सेप को शक करते हैं। बोथ निम्फ एंड एडल्ट डैमेज द क्रॉप एंड सक द सेल सेप फ्रॉम टेंडर पार्ट ऑफ द प्लांट। मेजर पेस्ट, ये जो चिली के बहुत ही मेजर पेस्ट है, जिसके वजह से इस पेस्ट के कारण चिली का लगभग 70% तक नुकसान हो सकता है। टेंडर सूट्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स आर अटैक्ड, एज अ रिजल्ट दे बिकम ट्विस्टेड एंड डिफॉर्म्ड अपवर्ड।
ये ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं इनके द्वारा अटैक किए जाने पे। अटैक्ड प्लांट स्टंटेड लीव ड्रॉप्स, फ्रेश बर्ड्स बिकम वाइटल एंड ड्रॉप डाउन। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका लाइफ साइकिल काफ़ी शॉर्ट होता है, ये लगभग 15 दिन में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। कभी कभी इनका जो लाइफ साइकिल अनफेवरेबल कंडीशन होने पे, ये ठंड के समय में इनका लाइफ साइकिल है लगभग 30 से 45 दिन तक हो सकता है, बट एवरेज जो है इनका लाइफ साइकिल 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। एग्स आर लेड इनसाइड द टिश्यू ऑफ द लीव्स एंड शूट्स। ये जो इनके फीमेल होते हैं ओविपोस्टर की सहायता से टिश्यू के अंदर अंडे छोड़ते हैं जो लगभग 2 से 5 दिन में हैच हो जाते हैं। 2 से 5 दिन के पश्चात न्यूली हैच जो निम्फ होते हैं उनमें पांच इंस्टार कंप्लीट होने के बाद वे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं। एग लेइंग कैपेसिटी इज 40 to 70 एग ईच फीमेल। जो एक फीमेल होती है, एक इंसेक्ट अपने पूरे जीवन काल में लगभग 40 से 70 अंडे तक दे सकती है। इनका निम्फल पीरियड लगभग 7 से 8 दिन का होता है और इनका जो एडल्ट पीरियड है वो 7 से लेके 30 दिन तक का हो सकता है। इस प्रकार से इनका जो लाइफ साइकिल है 15 दिन में फेवरेबल कंडीशन होने पे 15 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। इस कंडीशन में इनका जो लाइफ साइकिल है बहुत ही फास्ट कंप्लीट होता है और कभी कभी 30 से 45 दिन तक इनका लाइफ साइकिल चल सकता है। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें आईपीएम टेक्निक्स अपनाने चाहिए, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये परसिस्टेंट पेस्ट के रूप में चिल्ली क्रॉप के ऊपर साल भर बने रहते हैं। इंटर क्रॉप विथ अगाथी सस्बेनिया, सस्बेनिया के साथ में इंटर क्रॉप करने से इस क्रॉप से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, इस पेस्ट से क्रॉप को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। ससबेनिया का जो प्लांट होता है वो ससबेनिया का प्लांट चिल्ली के पौधे को ढक के रखता है जिससे शेड होते हैं जो कि थ्रिप्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के काम आता है। सोरघम के जस्ट बाद में चिल्ली का कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोरघम में ये जो इंसेक्ट होते हैं बहुत अधिक मात्रा में अटैक करते हैं और नेक्स्ट जो क्रॉप है चिली लेने पे सारे के सारे पेस्ट चिली पे अटैक कर सकते हैं। डो नॉट फॉलो चिली एंड ऑनियन एज मिक्स्ड क्रॉप, क्योंकि ये चिली और ऑनियन दोनों के ही मेजर पेस्ट हैं। स्प्रिंकलर के थ्रू एरिगेशन करने से इस इंसेक्ट्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, इनके मल्टीप्लिकेशन को कम किया जा सकता है। इमिडाक्लोप्रिड से सीड को ट्रीट करना चाहिए या फिर कार्बोफ्यूरान का भी हम स्प्रे कर सकते हैं। फोरेट या कार्बोफ्यूरान जैसे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड को हम डायरेक्ट फील्ड अप्लाई भी कर सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट इंसेक्ट इज टोबैको कटवॉर्म, इस स्पोरोप्टेरा लिटोरा। ये ऑर्डर लेप्टोप्टेरा फैमिली नॉक्टुडी के मेंबर्स होते हैं। टोबैको कैटरपिलर हाईली पॉलीफेगस पेस्ट होते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये दिखने में भूरे रंग के होते हैं, मध्यम आकार के मौत होते हैं। इनके जो एडल्ट होते हैं मध्यम आकार के होते हैं। ये इंसेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इनका जो होस्ट रेंज है बहुत ही वाइड है, जो कि हर प्रकार के वेजिटेशन को डैमेज कर सकते हैं, इवन लेगुमिनस एंड ग्रेमिनस दोनों ही क्रॉप्स
क्रॉप को ये डैमेज कर सकते हैं। पल्सेस क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप या सीरियल्स क्रॉप, हर प्रकार के क्रॉप को ये डैमेज कर सकते हैं। इनको जो इनके जो एग होते हैं गोल्डन येलो कलर के होते हैं, जो कि फीमेल के द्वारा ग्रुप में मासेस में दिए जाते हैं, और फीमेल जो है अंडे देने के बाद अपने एनल हेयर से इस एग मास को ढक देती है, जिससे कि पैरासिटॉइड्स या प्रेडेटर से बचे रह सकें। लार्वा जो होते हैं ये ब्राउन कलर्ड होते हैं, मीडियम साइज, अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। एडल्ट जो होते हैं वही ब्राउन कलर के होते हैं, लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर विंग स्पैन के साथ में 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। ये जो है पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, हर जगह, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, इंडिया, ईरान, जापान, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड एट्सेट्रा कंट्रीज में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। इंडिया में ये महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब इत्यादि प्रांतों में सबसे अधिक पाए जाते हैं, और ये लगभग 120 से भी अधिक प्लांट स्पीसीज पे फीड करते हैं। न्यूली हैच जो लार्वी होते हैं, ये सबसे पहले तो ये इंसेक्ट्स जो होते हैं लीफ ईटिंग इंसेक्ट्स होते हैं, डिफोलिएटर्स होते हैं। न्यूली हैच लार्वा जो होते हैं वो पत्तियों को स्क्रैप करके खाना स्टार्ट करते हैं। लेटर जो लार्वे बड़े होने पे पूरी पत्तियों को ही होल कर खा जाते हैं। अफेक्टेड लीव्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड में वाइट कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि न्यूली हैच लार्वे के द्वारा स्क्रैप करके खाने से बनते हैं। बाद में पूरी पत्तियों को ये डिफोलिएट करके खा जाते हैं और पूरी पत्तियों को नष्ट कर देते हैं। प्लांट्स जिनके वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती और पूरे के पूरे प्लांट्स मर जाते हैं। इनके अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं एडल्ट कैटरपिलर, लगभग जो एडल्ट इंसेक्ट होते हैं लगभग 200 से 400 अंडे देते हैं, जिसको अपने एनल हेयर से ढक के रखते हैं, जिनका हैचिंग 3 से 4 दिन में हो जाता है, और लगभग 20 से 40 दिन में ये इंसेक्ट्स लार्वे से एडल्ट बन जाते हैं। इनके लार्वे इनमें 5 लार्वल इंस्टार पाए जाते हैं। इनकी टोटल लाइफ साइकिल लगभग 45 दिन में कंप्लीट हो जाती है। इनके कंट्रोल के लिए, चूंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं अंडे मास में देते हैं, इसलिए हम इनके एग मास को मैन्युअली कलेक्ट कर नष्ट कर सकते हैं। साथ में इनका हैचिंग भी मास में होता है, इसलिए लार्वी मास को भी हम मैन्युअली कलेक्ट कर नष्ट कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये जो इंसेक्ट्स होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं, जिस कारण हम लाइट ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ पॉइजन बैट्स का यूज़ कर सकते हैं, या कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक कार्बोरिल एट्सेट्रा का भी हम यूज़ कर सकते हैं। केमिकल मैनेजमेंट के लिए एमामेक्टिन बेंजोएट, स्पाइनोजेट या थायोडिकार्ब, ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं ये काफ़ी कारगर हैं, जिनको हम टोबैको कैटरपिलर के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट इंसेक्ट इज ग्राम कैटरपिलर या फिर ग्राम पोड बोरर या चिली पोड बोरर, चिली फ्रूट बोरर, हेलिकोअर्पा आर्मिजेरी। ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा फैमिली नॉक्टुली के मेंबर्स होते हैं, जो कि ये भी हाईली पॉलीफेगस होते हैं। सभी क्रॉप में ये मेजर पेस्ट के रूप में विद्यमान होते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके द्वारा डैमेज किए जाने पे जो फ्रूट होते हैं उनमें छेद दिखाई देते हैं। ये इंसेक्ट्स फ्रूट के अंदर पूरी तरह ना घुस के अपना मुंडी घुसाते हैं और अंदर के इंटरनल पार्ट्स को फीड करके नष्ट करते हैं, और
जिस कारण अफेक्टेड पोर्स या अफेक्टेड फ्रूट जो होते हैं समय से पहले ही इमेच्योर स्टेज में ही ड्रॉप हो जाते हैं, पौधे से गिर जाते हैं। अगर इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका लाइफ साइकिल लगभग 30 से 45 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इनमें कंप्लीट मेटामोफोइस पाए जाते हैं। ये इंसेक्ट्स सिंगली अंडे देते हैं, प्लांट के बर्ड्स के ऊपर सिंगल सिंगल अंडे देते हैं जो कि 3 से 4 दिन में हैच हो जाते हैं। इनमें 5 लार्वल इंस्टार पाए जाते हैं। फुली ग्रोन जो लार्वे होते हैं वो प्लांट से नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं और अर्धेन प्यूपा बनाते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके अंडे स्पेरिकल शेप्ड क्रीम कलर के होते हैं। इनके लार्वे जो होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं जो कि पत्तियों में आसानी से छिप जाते हैं। इनके एडल्ट ब्राउनिश कलर की स्टाउट मोथ होते हैं। मेल इज लाइट ग्रीनिश इन कलर विथ वी शेप्ड मार्किंग इन देयर फ्रंट विंग। इनका मैनेजमेंट के लिए हमें मैनुअली लार्वे को मैनुअली कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। उसके अलावा अफेक्टेड फ्रूट्स को नष्ट कर देना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप का इंस्टॉल कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, लाइट ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनके जो एडल्ट होते हैं नॉकटर्नल होते हैं। ट्राइकोग्रामा चिरोलिस जैसे लार्वल पैरासिटोइड का भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे कार्बोरिल WP कार्बोरिल 50 WP 2 ग्राम पर लीटर और बेसिलस थुरिंजिनेसिस 2 ग्राम पर लीटर। प्रोवाइड पोइजन बेट विथ कार्बोरिल 1.25 kg, राइस ब्रांड 12.5 kg, जैगरी 1.25 kg एंड वाटर 7.5 लीटर पर हेक्टेयर। इस तरह से हम पोइजन बेट तैयार करके हम इनको नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक एमेक्टिन बेंजोएट 5% SG या स्पाइनोजेट 45 SC या थायोडिकाप 75% WP। हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।